स्टैंडर्ड 7th जनरल साइंस चैप्टर नंबर 12 द मस्क्यूलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. वट इज मेंट बाय सॉरी लेट्स रिकॉल वट इज मेंट बाय ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम मतलब कि ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो एक साथ काम करता है. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. हाउ आर द बोन्स इन आवर बॉडी जॉइंट टू ईच अदर. हमारी बोन्स एक दूसरे से जॉइंटेड कैसे होती है. जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उससे हमारी बोन्स एक दूसरे से जॉइंट होती है. मस्क्यूलर सिस्टम. ट्राई दिस. क्लोज योर फिस्ट टाइटली एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो. नाउ फील द अपर पार्ट ऑफ दिस आर्म विद द फिंगर्स ऑफ योर अदर हैंड. वट डिड यू एक्सपीरियंस. इसमें बताया है कि अपनी मुट्ठी टाइट बंद करो ऐसे, और अपना जो आर्म है, ये जो आर्म है आपका, वो एल्बो तक ऐसे बेंड करो. ये आर्म है उसको ऐसे बेंड करो. फिर जो ये अपर पार्ट है, ऊपर का आर्म यहाँ पे जो पार्ट है, उसको टच करो और फील करो. आप क्या एक्सपीरियंस करोगे. डिड यू फील द हार्डनेस इन द अपर आर्म. यस, हमको थोड़ा हार्ड फील होगा. दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल्स. ये जो फ्लैशी पार्ट है वो उसमें मसल्स होते हैं. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी मूव. जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं तभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे, और रिलैक्स मतलब ऐसे. मसल्स गिव अवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर. मसल्स हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देती है और एक स्पेसिफिक पोस्चर देती है. मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड. मसल्स फाइबर का बंडल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है. कैन यू टेल वट इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड बोन्स. मसल और बोन्स में क्या रिलेशनशिप होता है. मसल्स आर फर्मली अटैच टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स. जो मसल्स होती है वो बोन्स से एकदम अच्छे से अटैच्ड होती है टेंडन्स से. टेंडन से मसल्स बोन्स पे अच्छी तरह से अटैच्ड होती है. When muscles contract, there is movement at the joint and the bones move either nearer to or away from each other. जब भी muscles contract होती है, मतलब जब भी muscles ऐसे contract होती है, तभी joint में एक movement होता है और उससे bones या तो पास पास आ जाती है या तो दूर दूर चली जाती है. The action of muscles is necessary for all kinds of movements, from the small movements of eyelids to those that demand great strength, as when chopping wood with an axe. Muscles बहुत necessary होती है हर movement के लिए. छोटे से छोटे movement के लिए, जैसे कि eyelid का movement, और जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसमें भी मसल्स बहुत नेसेसरी होती है. जैसे कि वुड काटना एक्स से हम मसल्स को यूज़ करते हैं बहुत सारे मूवमेंट्स के लिए, जैसे कि टॉकिंग लाफिंग
टॉकिंग लाफिंग में हमारी फेस की मसल्स यूज होती है, फेस की मसल्स, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा, बहुत सारे मूवमेंट्स करने में मसल्स हेल्प करती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है मसल्स का कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट, तो फिर मसल्स रिलैक्स्ड है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स रिलैक्स्ड है, और यहाँ पे मूवमेंट है जॉइंट का, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब वो रिलैक्स नहीं है। डू यू नो देर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मसल्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में 600 मसल्स होती है, 600 मसल्स से भी ज़्यादा मसल्स होती है, और मसल्स हमारी बॉडी का वेट हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी में मसल्स का वेट 40% होता है ऑलमोस्ट। देर आर अबाउट 30 मसल्स इन द ह्यूमन फेस। और हमारे फेस में अबाउट मतलब हमारे ह्यूमन फेस में 30 मसल्स होती है अप्रॉक्सीमेटली, 30 मसल्स होती है, और हमारा जो आईज, हमारे जो आईज, अवर आईज माउथ एंड नोज आर एनसर्कल्ड बाय स्मॉल मसल्स। हमारी आईज, हमारा माउथ और नोज, ये स्मॉल मसल से एनसर्कल्ड होता है। एक्सप्रेशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर आर एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ दिस मसल्स ऑफ द फेस। जो हम एक्सप्रेशंस देते हैं, जैसे हम लोग खुश होते हैं तो हैप्पी स्माइल करना, सैड दुखी होना, डरना, ये मसल्स मूव होते हैं, उसकी वजह से वैसे एक्सप्रेशंस बनते हैं। आर द मसल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आइडेंटिकल। इसमें पूछा है कि जो हमारी जो मसल्स है डिफरेंट ऑर्गन्स की बॉडी में, वो सेम है होती है? नो, सारी मसल्स डिफरेंट होती है। दो टाइप्स होते हैं वॉलेंट्री मसल के, वो हम इधर पढ़ेंगे। वॉलेंट्री मसल्स मतलब जो हमारे इच्छा, हम लोग इच्छा से उनको हिला सकते हैं, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारी इच्छा से हम नहीं कर सकते, हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, और वॉलेंट्री मसल्स हमारी इच्छा पे डिपेंड होता है। फर्स्ट वॉलेंट्री मसल्स वर्किंग विथ अवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा आर फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन अवर विल। मसल्स यूज्ड इन दिस एक्शंस आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। फॉर एग्जांपल मसल्स इन अवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल्स। मतलब हम लोग हमारे हाथ से अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, अगर हमको हमारी इच्छा है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलना वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, खाना भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हमारी विल पे डिपेंड करता है, हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। और इन एक्शंस में जो मसल यूज होती है उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। एग्जांपल जो हमारे हाथ और लेग में मसल्स होती है उनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, इसलिए वो वॉलेंट्री मसल्स होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स वेरियस प्रोसेसेस लाइक ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आर वाइटल फंक्शंस, दैट इज दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे ब्रीथिंग, सांस लेना, ब्लड का सर्क्यूलेट होना और डाइजेशन, वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, मतलब वो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, तो फिर वो हमारे मर्जी पे डिपेंड नहीं होते वो वाले फंक्शंस। जो मसल्स इन ऑर्गन्स की जो मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस कैरी करती है, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे हम अपनी मर्जी से हार्ट की बीटिंग रोक नहीं सकते, अपनी मर्जी से हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस रोक नहीं सकते, तो फिर जो मसल्स इन ऑर्गन्स में होती है उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स।
विच ऑर्गन्स इन अवर बॉडी हैव वॉलेंट्री मसल्स एंड विच वंस हैव इनवॉलेंट्री मसल्स। हमारी बॉडी में कौन से वॉलेंट्री मसल्स होती है और कौन से इनवॉलेंट्री, वो हमें फाइंड आउट करना है। टाइप्स ऑफ मसल्स, अभी हमारे मसल्स के कौन से टाइप्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स, सबसे फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स। द टू एंड्स ऑफ ईच ऑफ दिस मसल्स आर अटैच टू टू डिफरेंट बोन्स। ये जो स्केलेटल मसल्स होती है, इसके दो एंड्स, स्केलेटल मसल के दोनों एंड्स, सपोज ये मसल है, इसके दोनों एंड्स दो डिफरेंट डिफरेंट बोन्स से अटैच्ड होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई और बोन्स अटैच्ड होगा और यहाँ पे कोई और बोन्स अटैच्ड होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। उसका एग्जाम्पल है आर्म्स, आर्म्स की जो मसल्स होती है वो स्केलेटल मसल्स होती है। मतलब जो मसल है उसकी दोनों साइड पे एक अलग अलग दो बोन, अलग अलग बोन्स अटैच्ड होंगे आर्म्स की, लेग्स की। देयर मूवमेंट्स आर वॉलेंट्री, और उसका जो मूवमेंट होता है वो वॉलेंट्री होता है, मतलब हम लोग उसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर एंड गिविंग द शेप टू अवर बॉडी। स्केलेटल मसल्स का काम ऐसा भी होता है कि वो जो बोन्स होती है स्केलेटन की, उसको पकड़ के रखती है टुगेदर और हमारी बॉडी को शेप देती है। यहाँ पे स्केलेटल मसल का, यहाँ पे मसल्स का इमेज भी दिया है। इसमें ये है स्केलेटल मसल। हर्ट और कार्डियक मसल, ये हर्ट और कार्डियक मसल है और ये स्मूथ मसल है। ये थ्री टाइप है, ये स्केलेटल मसल, फिर ये वाली हर्ट और कार्डियक मसल, और ये स्मूथ मसल्स है। हर्ट और कार्डियक मसल्स, दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बीटिंग ऑफ द हर्ट। Their movement is involuntary. Cardiac muscles cause our heart to relax and contract continuously at a rate of about 70 times per minute. ये जो heart और cardiac muscles होती है वो हमारे heart का contraction और relaxation करती है, मतलब beating, हमारे heart की beating करता है, और उसका मूवमेंट इनवॉलेंट्री होता है। हर्ट और कार्डियक मसल्स का इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि वो हम लोग हमारी मर्जी से नहीं कर सकते। कार्डियक मसल्स कॉज अवर हर्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। कार्डियक मसल्स होती है वो हमारे हर्ट को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली करती है 70 टाइम्स पर मिनट। मतलब एक मिनट में 70 टाइम्स हमारा हर्ट बीट होता है एक मिनट में। फिर थर्ड स्मूथ मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स थी उसका एग्जांपल था आर्म्स और लेग्स। हर्ट और कार्डियक मसल्स हर्ट को बीट करती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और स्मूथ मसल्स जो स्टमक इंटेस्टाइन की मसल्स होती है वो वाली। दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन द हर्ट। ये मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती है हर्ट को छोड़ के। हर्ट में कार्डियक और हर्ट मसल्स होती है, और स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती है हर्ट को छोड़ के। फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूटेरस एक्सेट्रा। एग्जांपल ये जो मसल्स स्मूथ मसल्स होती है वो होती है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स और यूटेरस एक्सेट्रा में। देयर मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री, इनका मूवमेंट्स भी हम लोग हमारी मर्जी से नहीं कर सकते, और उनका मूवमेंट स्लो भी होता है। वेरियस वाइटल फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी ऑफ विच वी रिमेन क्वाइट अनअवेयर आर कैरिड आउट बाय दिस स्पेशल मसल्स। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जिनका हमें पता भी नहीं होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है, वो ये स्पेशल स्मूथ मसल से होती है। कैन यू टेल हाउ डू मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस। मसल्स फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया है। होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो, दैट इज 180 डिग्री विदाउट क्लोजिंग योर फिस्ट। मतलब अपना हाथ सीधा रखो, सीधा बिना बेंड के 180 डिग्री पे, मतलब एकदम सीधा, ये 180 डिग्री है।
और अपनी फिस्ट क्लोज नहीं करो, ऐसे खुली होनी चाहिए फिस्ट। बेंड द आर्म एट द एल्बो थ्रू 90 डिग्री। फिर अपना जो आर्म है, ये जो आर्म है उसको 90 डिग्री पे एल्बो तक बेंड करो, मतलब ऐसे। ऐसे बेंड करो 90 डिग्री पे। टच द शोल्डर विथ योर फिंगर्स ऑन सेम साइड। फिर अपनी फिंगर से अपना शोल्डर टच करो। मसल्स ऑफ विच पार्ट ऑफ योर आर्म आर आर्म कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द अबाउट 3 एक्शंस। ये 3 एक्शंस जब भी आपने किए तो कौन से पार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और कौन से पार्ट की मसल्स रिलैक्स हुई। मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप्स। वेन सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स। हमारी बॉडी में मसल्स हमेशा ग्रुप में काम करती है। जब भी कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी दूसरी मसल्स वही सेम ग्रुप की रिलैक्स होती है। दिस इज़ हाउ मसल्स हेल्प इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसे मसल्स हमारे फंक्शंस परफॉर्म करने में एकदम प्रॉपरली काम करती है, वो ग्रुप में काम करती है। और जब भी कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वही ग्रुप की सेम ग्रुप की दूसरी मसल्स रिलैक्स करती है। द मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप्स। द मसल एट द बैक इज कॉल्ड द ट्राइसेप्स। मतलब यहाँ पे एक इमेज था कॉन्ट्रैक्शन एंड यहाँ पे, तो फिर ये जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये अपर वाला ये अपर पार्ट, वो होता है बाइसेप्स। बोन के फ्रंट वाला पार्ट इसको बोलते हैं बाइसेप्स। और ये जो नीचे नीचे का ये जो पार्ट है नीचे वाले को बोलते हैं ट्राइसेप्स। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट वुड हैपन इफ द कार्डियक मसल्स डू नॉट मूव। अभी इधर पूछा है कि अगर जो कार्डियक मसल्स है वो हिलेगी नहीं तो क्या होगा। हमने पढ़ा था कि जो कार्डियक मसल्स होती है वो हार्ट की बीटिंग में बीटिंग करती है, तो अगर हार्ट बीट नहीं होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। फूड एंटर्स द स्टमक एंड द स्टमक मसल्स डू नॉट मूव। स्टमक मसल्स वो स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, तो फिर अगर वो मूव नहीं करेगी तो जो जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं डाइजेशन के वो नहीं होंगे, तो हमारा फूड भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे पूरे बॉडी में मसल्स के डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं। यहाँ पे ये जो मसल है शोल्डर वाली उसको बोलते हैं डेल्टॉइड, ये चेस्ट वाली मसल को चेस्ट मसल्स, और बाइसेप्स मतलब जो आगे वाली बोन के आगे वाली मसल्स उनको बाइसेप्स, और बोन के पीछे वाली को ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स इधर दिखाए नहीं है। और जो आर्म यहाँ पे की जो मसल्स होती है आर्म की उसको बोलते हैं फ्लेक्सर्स, और थाइस की जो मसल्स होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रीसेप्स, और स्टमक की मसल्स को एब्डोमिनल मसल्स, और पैर की मसल्स को फ्लेक्सर्स। पैर का ये वाला जो हिस्सा होता है उसकी मसल्स को फ्लेक्सर्स, और हाथ वाली मसल्स आर्म वाली मसल्स को भी फ्लेक्सर्स ही बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर मसल्स ऑफ अवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशियंट। अवर डाइट मस्ट इंक्लूड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सफिशियंट क्वान्टिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है उन वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और हमारी डाइट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड होने चाहिए सफिशियंट क्वान्टिटी में मसल्स की ग्रोथ के लिए और मसल्स की रिपेरेशन के लिए। वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और इससे जो हमारी मसल्स होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। हमें सीधे बैठना चाहिए और हमको बेंट बैक के साथ नहीं बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो हमारे जो वर्टीब्रा होती है जो बैकबोन
बैकबोन में बोन्स होती है उनको वर्टिब्रा बोलते हैं, तो फिर वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर में। मसल्स इन द शोल्डर एंड बैक बिगेन टू हर्ट, हमारे जो कंधे की मसल्स होती है और बैक पीठ की मसल्स होती है वो उनको वो हर्ट हो जाती है, और वर्टिब्रल कॉलम के डिसऑर्डर्स भी होते हैं। और एक्सरसाइज करते टाइम मूवमेंट्स, हर्ट मसल्स के मूवमेंट्स बहुत रैपिड हो जाते हैं और ब्रीथिंग भी फास्ट हो जाती है, इंश्योरिंग अ सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारे ऑक्सीजन हमारे दो अलग 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 पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सफिशेंट सप्लाई में मिलता है। डू यू नो द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ अवर बॉडी इज इन द थाई। द स्मॉलेस्ट मसल इज अटैच टू अ बोन इन द ईयर कॉल्ड द स्टेप्स। मसल्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं मायोलॉजी। और मसल्स का बेसिक प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्शन। और हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल थाई की होती है और सबसे स्मॉलेस्ट मसल ईयर की होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, लेट्स रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द फूड वी ईट इनसाइड अवर बॉडी। जो हम लोग खाना खाते हैं हमारी बॉडी में वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट, तो फर्स्ट वाले का आंसर है डाइजेशन। डज दिस फूड मिक्स एज इट इज विद द ब्लड, मतलब ये जो फूड हम लोग खाते हैं वो ऐसा का ऐसा ही ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। नो, वो डाइजेस्ट होता है फिर ब्लड में मिक्स होता है। कन्वर्शन ऑफ फूड इंटू अ सॉल्यूबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इंटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन मतलब कि फूड को सॉल्यूबल, मतलब हम लोग उसको मिक्स कर सके वैसे फॉर्म में, फूड को हम लोग अब हमारे स्टमक में हमारे ब्लड में मिक्स कर सके, ऐसे जूस बनाते हैं फूड को, स्टमक ऐसा जूस बनाता है ताकि वो जो फूड है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो सके और ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एलिमेंट्री कैनल होता है, एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज अबाउट 9 मीटर्स। एलिमेंट्री कैनल हमारे माउथ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है और हमारे एनस में ख़त्म होता है। और इसका ये जो एलिमेंट्री कैनल है उसका शेप हर एक जगह पे अलग अलग होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो माउथ से शुरू होता है और एनस में ख़त्म होता है, और ये टोटल 9 मीटर्स का होता है। और इसके मेन पार्ट्स, एलिमेंट्री के मेन पार्ट्स होते हैं माउथ, फैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इधर भी वैसा ही हुआ, यहाँ पे माउथ से शुरू हुआ, इधर जो एलिमेंट्री कैनल है वो माउथ से शुरू हुआ और एनस में ख़त्म हुआ, और ये 9 मीटर्स का होता है। और उसके मेन पार्ट्स होते हैं माउथ, फैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारे एलिमेंट्री कैनल के मेन पार्ट्स होते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनल। और जो
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमने ऊपर ऐसे पढ़ा था, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनल में तो ये सारे पार्ट्स आ गए, माउथ, फारिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। लेकिन जो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसमें आता है लिवर, पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स ये सब आता है, लिवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स ये आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, और ये एलिमेंट्री कैनल से कनेक्टेड होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमेटिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टमेटिकली डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करते हैं। देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड एट ईच स्टेज देर इज़ अ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच परफॉर्म्स इट्स स्पेसिफिक रोल। डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज पे एक डिफरेंट और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिफरेंट ऑर्गन अपना रोल परफॉर्म करता है। सपोज स्टमक, तो फिर स्टमक फूड को चर्न करता है, तो फिर वो एक स्टेज हुआ डिफरेंट स्टेज फूड को चर्न करना। तो स्टमक ने चर्न किया, डाइजेशन की प्रोसेस में इसने ये मदद की, उसका रोल ये है। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हर ऑर्गन का फंक्शन भी पढ़ेंगे। फर्स्ट है टीथ, मतलब दांत। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ। डाइजेशन का प्रोसेस जो टीथ होते हैं माउथ में, जो टीथ होते हैं मुंह में, जो दांत होते हैं उससे शुरू होता है। देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ, नेमली इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। टीथ के चार टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं, और उनका नाम होता है पहला इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। ये फोर टाइप के टीथ होते हैं। Each type of tooth has a specific function. हर दांत का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और ये जो चारों टाइप के दांत हैं वो हमारे मुंह में होते हैं। Each tooth is covered by a hard substance called enamel. हर एक दांत एक हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड होता है और उसका नाम है हार्ड सब्सटेंस का नाम है एनेमल। और ये जो एनेमल होता है वो कैल्शियम सॉल्ट से बनता है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन और सलाइवरी एमिलेस। टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोज। सलाइवा एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको बोलते हैं टाइलिन, इसमें पी साइलेंट होता है और इसको स्पेल करते हैं PTYALIN, टाइलिन, या इसको सलाइवरी एमिलेस भी बोलते हैं, एमिलेस। और ये जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज शुगर होती है। यहाँ पे इमेज दी है टीथ की, ये हमारा जॉ है, ये जो है इसको जॉ बोलते हैं। और एनिमल एक हार्ड कवरिंग होती है दांत पे, तो इधर एनिमल का पिक्चर भी दिया है।
फिर ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये है डेंटाइन। डेंटाइन। फिर ये जो पिंक कलर का होता है वो उसको बोलते हैं गम्स। और ये बोन है और दांत के अंदर ये वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं रूट। ये पूरा दांत का स्ट्रक्चर है। अभी हमने चार टाइप पढ़े थे, इंसाइजर, कैनाइन, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलार। तो यहाँ पे उनकी पिक्चर दी है। इंसाइजर का शेप ऐसा होता है, कैनाइन का ऊपर से थोड़ा पॉइंटेड होता है, प्रीमोलर थोड़ा थोड़ा सा कम पॉइंटेड होता है और मोलार ऐसा शेप का होता है। और ये इंसाइजर जो टूथ होता है वो इधर दो होते हैं, कैनाइन यहाँ पे होता है, प्रीमोलर यहाँ पे होते हैं दो, और मोलार वाले जो दांत होते हैं वो तीन होते हैं। लर्न अ न्यू वर्ड, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है? अभी एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस सीक्रेटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग आउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सीक्रेट होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं। एंजाइम्स ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी में सिक्रीट होते हैं, उनकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं एंजाइम। दे एक्ट एज कैटलिस्ट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द फूड मटेरियल्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो डाइजेशन के लिए जो जो सब्सटेंस सीक्रेट होता है डाइजेशन के लिए, जो केमिकल रिएक्शंस करता है, वो फूड मटेरियल्स में चेंजेस लाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो एंजाइम्स के बिना नहीं हो सकते। एंजाइम्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स एक प्रोटीन का टाइप होता है और वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, जब भी बॉडी टेम्परेचर होता है तभी एकदम अच्छे से काम करते हैं। यूज योर ब्रेन पावर ड्यूरिंग डाइजेशन। डस ऑल द फूड दैट वी हैव ईटन गेट कन्वर्टेड इंटू यूजफुल न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस? नो। डाइजेशन के दौरान फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता है या जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं फूड में वो भी बनते हैं। माय फ्रेंड द इंटरनेट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स फ्रॉम द वेबसाइट्स www.lifescience.com एंड www.innerbody.com। अभी हम लोग यहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे माउथ है, फिर फैरिंग्स या थ्रोट, फिर इसोफेगस, और अलग अलग पार्ट्स है। यहाँ पे हम लोग हर एक पार्ट के फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहला माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड बिगेन्स इन द माउथ। फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इन टू वेरी स्मॉल पीसेस। फूड का डाइजेशन माउथ में शुरू होता है और जो फूड हम लोग चबाते हैं, टीथ से चबाते हैं हम लोग फूड, वो एकदम छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकेंड पार्ट है सलाइवरी ग्लैंड। मुँह के पीछे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पीछे की तरफ। ग्लैंड्स मतलब ग्लैंड्स मतलब
एक ऐसे ऑर्गन्स जो कुछ सीक्रेट करते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करते हैं। ग्लैंड्स मतलब कि ऑर्गन्स दैट सीक्रेट समथिंग समथिंग। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करते हैं, तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं उनको। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ कैविटी लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स नियर द फैरिंग्स एंड बिलो द टंग। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो टंग के नीचे होते हैं, यहाँ पे इस पोर्शन में, और वो माउथ में होते हैं, इसलिए उसको माउथ कैविटी लिखा है। माउथ कैविटी में होते हैं और ईयर्स के सामने होते हैं। सपोज यहाँ पे ईयर है तो उसके सामने होते हैं यहाँ पे। इट इज़ कैरिड टू द माउथ वी आर डक्ट्स। डक्ट्स मतलब ट्यूब। तो फिर जो जो सलाइवा बनता है सलाइवरी ग्लैंड्स में वो डक्ट से यहाँ पे बनता है नीचे टंग के, तो वो डक्ट से पाइप से मुंह में आता है। इट इज़ मिक्स्ड विथ फ्रूट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। जब भी हम लोग खाना चबाते हैं तभी वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है। फैरिंग्स और थ्रोट, फैरिंग्स को थ्रोट भी बोलते हैं। द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इन टू द फैरिंग्स। जो ईसोफेगस होता है और ट्रैकिया होता है वो फैरिंग्स मतलब कि थ्रोट में ओपन होता है। ट्रैकिया होता है वो विंड पाइप होता है, और जो ईसोफेगस होता है वो स्टमक तक ऐसे पाइप शेप में होता है। वो दोनों फूड पाइप और विंड पाइप वो दोनों फैरिंग्स मतलब थ्रोट में ओपन होते हैं। सपोज ये थ्रोट है तो दोनों फूड, सपोज ये विंड पाइप है तो विंड पाइप भी और फूड पाइप भी फैरिंग्स में ओपन होता है मतलब थ्रोट में। फिर नेक्स्ट है इसोफेगस। फर्स्ट पार्ट था माउथ, सेकेंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो टंग के नीचे होते हैं, फैरिंग्स और थ्रोट। अभी नेक्स्ट है इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है? इट इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फैरिंग्स टू द स्टमक। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो विंड पाइप और इसोफेगस मतलब कि जो फूड पाइप वो दोनों फैरिंग्स में ओपन होते हैं। तो फिर वो जो फैरिंग्स में से ओपन होता है ट्यूब जैसे शेप में होता है वो, यहाँ पे इसका पिक्चर, ये ट्यूब जैसे रेड कलर का जो है वो इसोफेगस है। वो फैरिंग से स्टार्ट होता है, स्टमक तक जाता है वो। फिर और हमने मुँह से खाना खाया फिर वो फैरिंग से फूड पाइप में जाएगा, फिर फूड पाइप में से वो जो खाना है वो फूड, ये जो ईसोफेगस होता है वो उसको स्टमक की तरफ पुश कर देगा खाने को। फिर नेक्स्ट है पैनक्रियास। द पैनक्रिया सीक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो जिसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स हमने पढ़ा था कि जो एक ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेस होते हैं, एंजाइम्स जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सीक्रेट होते हैं जिससे स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है लिवर। द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ग्लैंड मतलब एक ऐसा एक ऑर्गन जो कुछ सिक्रीट करता है। तो फिर ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लिवर, और उसने रिच सप्लाई होता है ब्लड का। इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। लिवर का मेन फंक्शन होता है कि वो ग्लूकोज स्टोर करता है, ग्लूकोज का स्टोरेज करता है वो। द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लिवर। जो गॉल ब्लैडर होता है वो लिवर के नीचे होता है, और गॉल ब्लैडर बाइल जूस एक जूस होता है जो डाइजेस्टिव जूस होता है। बाइल जूस वो लीवर से ही
लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस, वो लीवर सिक्रीट करता है। ये जो बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है वो गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, और जब भी बाइल ये जो जूस होता है वो इंटेस्टाइन में जाता है तभी वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और वहाँ पे फैट डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और बाइल में होते हैं सॉल्ट्स होते हैं, फिर नेक्स्ट है स्टमक। द लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड द स्टमक। ये पूरा एलिमेंट्री कैनल है, ये जो माउथ से शुरू हो रहा है फिर ईसोफेगस, ये सारे ये भी एलिमेंट्री कैनल में ही इंक्लूड होते हैं। ये पूरा एलिमेंट्री कैनल है एनस तक। द लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड द स्टमक। सैक लाइक पार्ट मतलब ऐसे सैक जैसा एक पार्ट होता है, ऐसा ऐसे शेप में, इसको बोलते हैं स्टमक। द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। इसमें स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब एक ऑर्गन जो कुछ सीक्रेट करता है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, और जो फूड स्टमक में आता है उसको चर्न हो जाता है। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस नेमली हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंड म्यूकस आर मिक्स्ड विद द फूड हियर एंड इट बिकम्स एसिडिक। अभी यहाँ पे बताया है कि फूड एसिडिक कैसे होता है, तो मैंने अभी बताया कि जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, और यहाँ पे स्टमक में जो फूड आता है वो चर्न हो जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस में थ्री कंपोनेंट्स, और उनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन और म्यूकस। ये जो तीन कंपोनेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, वो गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिक्स हो जाता है ना, तो गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स भी मिक्स हो जाते हैं फूड में, और वो फूड एसिडिक हो जाता है इनसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस से, जो कि गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। जो मेन प्रोटीन्स होते हैं वो स्टमक में ही डाइजेस्ट होते हैं। और ड्यू टू द चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड स्लरी विच इज स्लोली पोस्ट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं और फूड चर्न होता है। ऊपर हमने पढ़ा कि जो फूड आता है स्टमक में वो चर्न हो जाता है, और गैस्ट्रिक जूस का जो एक्शन होता है, गैस्ट्रिक जूस के जो तीन कंपोनेंट्स थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, इसका जो एक्शन होता है उससे फूड सेमी सॉलिड मतलब एकदम पूरी तरह सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड स्लरी जैसा बन जाता है, स्लरी, जो फिर ये जो स्लरी होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। अभी हम नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सारे पार्ट्स दिखा दूंगी एक बार ही स्टार्टिंग से। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 meters लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बिग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 meters की होती है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 meters की होती है। बस जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो ऐसे अपने आप को ऐसे छोटा कर लेती है, वो बड़ी होती है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे सिर्फ सिंगल एक लेयर होता है उसका। मोस्ट
मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर। सब ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो यहाँ पे ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और थ्री डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्सड विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तीन अलग डाइजेस्टिव जूस होते हैं तीन, वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेंड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड आल्सो अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये जो मिक्स हो जाते हैं फिर ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स ब्लड एब्जॉर्ब हो जाते हैं डाइजेशन से, फूड के डाइजेशन से, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 meter लॉन्ग। ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर अभी जो मेन था, मेन जो डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो गए खाने के साथ और वो एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में, वो एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी एब्जॉर्ब होता है मेनली, और लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम फर्स्ट पार्ट पे एक छोटा सा पार्ट अटैच्ड होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट मतलब स्टार्टिंग वाले पार्ट में अटैच्ड होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब हो गया और जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड फूड जो था स्मॉल इंटेस्टाइन फूड डाइजेस्टेड में जो रिमेन्स थे वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए हैं वो एनल्स से बाहर निकल जाते हैं बॉडी के। और जो रेक्टम पार्ट होता है रेक्टम में फूड स्टोर होता है, सॉरी फूड स्टोर नहीं होता है, वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। फिर जब भी वो पूरा भर जाता है तभी एनस से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे सारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज दिया है। यहाँ पे माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड येलो कलर का जो है वो सलाइवरी ग्लैंड, रेड कलर का जो है वो ईसोफेगस है, और फैरिंग्स थ्रोट ये जो सिल्वरिश कलर का है वो है। फिर जो स्किनिश कलर का है वो स्टमक है, ऐसे शेप में, सैक शेप में ये जो है वो स्टमक है। फिर ये येलो कलर में लीव शेप का वो है पैनक्रियास, और इधर ये जो है ये है लिवर, और लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फूड पहले सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पे एक ट्यूब दिखाया है अच्छे से समझने के लिए। इधर ऐसे स्टमक का इमेज है, फिर ये इधर एक ट्यूब दिखाया है जिससे जो खाना है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है पहले, फिर यहाँ पे पूरा इधर से घूम के लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये जो रेक्टम और एनस यहाँ पे होते हैं, रेक्टम एंड एनस, जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाता है। इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर सीक्रीशन एंड फंक्शंस। ग्लैंड्स मतलब कि ऑर्गन्स जो कुछ सीक्रेट करते हैं, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स और उन वो क्या सीक्रेट करते हैं और उसका फंक्शंस इस चार्ट में दिया है, छोटा सा चार्ट है। ऑर्गन माउथ, उसमें कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड। माउथ ऑर्गन है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड है जो क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, सलाइवा टाइलिन सीक्रेट करता है। सलाइवा को टाइलिन नहीं बोलते हैं, सलाइवा में
एंजाइम होता है टाइलिन। फिर नेक्स्ट ऑर्गन है स्टमक, सॉरी उसके फंक्शन होते हैं स्टार्च को माल्टोज, माल्टोज एक शुगर होती है उसमें कन्वर्ट करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में टाइलिन। फिर नेक्स्ट ऑर्गन है स्टमक, उसमें ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक वॉल सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें थ्री कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। उसका फंक्शन होता है फूड एसिडिक बनाना, प्रोटीन्स डाइजेस्ट करना, और स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे प्रोटेक्ट, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन देना भी फंक्शन है एक। फिर स्टमक में और एक भी और एक स्टमक में नहीं, फिर जो नेक्स्ट है ग्लैंड है लिवर, वो कोई ऑर्गन में नहीं होता है लिवर, वो खुद एक ग्लैंड है, बिगेस्ट ग्लैंड। उस वो सीक्रेट करता है बाइल जूस, जिससे फूड अल्कलाइन हो जाता है और लार्ज फैट पार्टिकल्स को स्मॉल बना देता है, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फिर नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियास, इसमें भी कोई ऑर्गन नहीं है और ये सीक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्राइप्सिन लाइपेस और एमेलेस होता है, जो इससे इसके फंक्शंस होते हैं कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दे करना, लाइपेस का फंक्शन टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और एमेलेस का फंक्शन टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स। फिर नेक्स्ट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं होता है पर वो सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस के फंक्शंस देखेंगे टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोस, टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। आर वी पुटिंग अवर हेल्थ एट रिस्क? फिजिकल हेल्थ इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वेन ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली वी से दैट वी आर इन गुड हेल्थ। हावेवर हार्मफुल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, चूइंग ऑफ टबैको, ड्रिंकिंग अल्कोहल अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। इफेक्ट्स ऑफ टबैको अल्कोहल स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? इफ यू कंज्यूम एनी टोबैको प्रोडक्ट्स द माउथ फैरिंग्स एलिमेंट्री कैनल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के नॉट फंक्शन प्रॉपरली, इट कॉजेज प्रॉब्लम्स लाइक वॉमिटिंग, नॉशिया एंड हेड एक। बिसाइड्स टोबैको पार्टिकल्स स्टिक टू टीथ गम्स एंड स्किन ऑफ द माउथ कैविटी एंड स्लोली कॉज इंजरी टू दोज पार्ट्स, रिजल्टिंग इन द डिसफंक्शन। दिस कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द गम्स एंड पेन वेन मूविंग द जॉस, द फैरिंग्स एंड इंटेस्टाइन बिकम इन्फ्लेम्ड एंड द कंडीशन फर्दर प्रोग्रेसेस इन टू कैंसर लीडिंग टू डेथ। माई रोल मेकिंग पिक्चर्स एंड स्लोगन्स अगेंस्ट टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एक्सेट्रा एंड डिस्प्लेइंग देम इन द क्लासरूम एंड द नेबरहुड, कीपिंग अ वॉच ऑन वेदर वन सराउंडिंग्स आर टोबैको फ्री, कंपोजिंग एन ओथ अगेंस्ट एडिक्शन एंड टेकिंग द ओथ इन द क्लास एंड ऑल्सो ड्यूरिंग असेंबली, मेकिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स अवेयर ऑफ सच इंस्टेंसेस इन द नेबरहुड। नो टोबैको डे और वर्ल्ड हेल्थ डे की डेट्स दी है इधर, 31 मई को होता है नो टोबैको डे और 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अ स्मॉल रिकैप।